ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडन्ट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। थ्री चीयर्स फॉर इंडिया, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया में भारत की जो साख और रुतबा बढ़ा है उसका एक और सबूत मिल गया है। भारत माता की जयकार करते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहते ये वही नौसेना के पूर्व जवान हैं जिन्हें कतर ने गिरफ्तार कर मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन फांसी की सजा का इंतजार कर रहे नौसेना के ये पूर्व अधिकारी अब रिहा हो चुके हैं और कतर से भारत लौट आए हैं। अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की कूटनीतिक जीत यानी डिप्लोमेटिक विक्ट्री ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इसी डिप्लोमेटिक विक्ट्री की पूरी कहानी सुनाएंगे। ये बताएंगे कि कैसे भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर से निगोशिएट करके इन सभी नौसेना के पूर्व जवानों को रिहा करवाया। ये सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कतर की अल-दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ काम कर रहे थे। ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम करती है और ये सभी एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स इस सबमरीन प्रोजेक्ट पर थे। लेकिन भ्रष्टाचार और जासूसी के आरोप लगने के बाद अगस्त 2022 में इन सभी को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर आरोप थे कि इन्होंने सबमरीन प्रोजेक्ट की खुफिया जानकारी इजराइल को भेजी थी। हालांकि ये आरोप कतर ने आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किए। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया और कतर के साथ बातचीत कर इन्हें कानूनी मदद दी गई। लेकिन 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने इन सभी 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुना दी। हमारे देश के पूर्व जवानों को कतर में मौत की सजा मिलने के बाद देश में हंगामा मच गया। इन सभी एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स के परिवार वाले मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाने लगे। लेकिन मोदी सरकार ने भी ठान लिया था कि वो अपने नागरिकों की जान बचा कर रहेंगे और इसी के बाद शुरू हुई मोदी सरकार की डिप्लोमेसी। मार्च 2023 में इन सभी पूर्व नौसैनिकों द्वारा दायर की गई जमानत याचिकाओं में से आखिरी याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन फिर बीते साल 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच एक बैठक हुई जिसके बाद इन पूर्व नौसैनिकों की सजा को कम कर दिया गया। इन सभी की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया क्योंकि कतर अमीर के साथ अपनी मुलाकात में पीएम मोदी ने इन पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। यही नहीं, इनके परिवारों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेकिन मोदी सरकार यही नहीं रुकी, बात इन सभी पूर्व नौसैनिकों को सुरक्षित अपने देश वापस लाने की थी और मोदी सरकार ने वो हर संभव कोशिश की जिसकी बदौलत ये सभी पूर्व नौसैनिक सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया एंड बस यही बोलना चाहेंगे। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडन्ट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट। थ्री चीयर्स फॉर इंडिया, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। मैं हूँ पारस कोठारी और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें और उनका एनालिसिस जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।